तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी S24 के अपडेट के बारे में। इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए, कितने MB का अपडेट है, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ S24 के नए अपडेट के बारे में। उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आना है आपको, नीचे की तरफ आएंगे यहाँ जाना है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे, एंड देन वहां पर आपको जाना है डाउनलोड और इंस्टॉल पे। आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। अब इस अपडेट में उन्होंने क्या लिखा है मेजरली, जैसे लिखा है कि सिक्योरिटी अपडेट है। सिक्योरिटी अपडेट के साथ साथ में कुछ इनहांस, कुछ छोटे मोटे फीचर्स को एड ऑन किया गया है, कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं और डिवाइस के स्टेबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट का वर्जन, जो अपडेट है इसका जो साइज 322 MB का है, जो साइज है 322 MB का है वो वर्जन नंबर 1UI 6.0 है। इसमें सिक्योरिटी पैच आपको 1 अगस्त 2024 की यहाँ पर अपडेट में मिलने वाली है। इसके अलावा मेजरली यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, बट इस अपडेट को आपको करना चाहिए। मैं अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट को इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुछ नए मालवेयर होते हैं जो आपके डिवाइस को इफेक्ट कर सकते हैं, या कोई नए वायरसेस होते हैं जो मोबाइल को हार्म कर सकते हैं, डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिक्योरिटी अपडेट हर मंथ निकालती है, हर कंपनी निकालती है। सैमसंग गैलेक्सी तो मतलब सैमसंग वाले तो हर महीने देते रहते हैं अपने हर डिवाइस के लिए, तो आपको उसको अपडेट करना चाहिए। तो उसको अपडेट कर लेते हैं फिर यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये हो चुका है मेरा अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना रहेगा, और पासवर्ड डालने के बाद वो पूरी तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। फाइनल फिनिशिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जितना ज़्यादा लोड कम होगा उतनी जल्दी फिनिश हो जाएगा, और जितना ज़्यादा लोड होगा उतना स्लो वो वर्क करेगा। तो उसको होने देते हैं। फाइनली हो चुका है अपडेट। अब अपडेट हो चुका है, मैं इसके बाद आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं आपको ले आया यहाँ पर अबाउट फोन में, देन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे आ गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 अगस्त का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच मुझे मिल गया है अपडेट में, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको एंड्रॉइड की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, क्या क्या होता है, क्या चीज़ है, सब डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बुलेटिन में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सैमसंग को चूज़ करने के बाद वो सैमसंग से रिलेटेड आपको अगस्त को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अब वो बता देगा इस अपडेट में मेजर क्या अपडेट किया गया, जैसे सैमसंग मोबाइल इज रिलीजिंग अ मेंटेनेंस रिलीज फॉर मेजर फेसलिफ्ट मॉडल एज पार्ट ऑफ मंथली सिक्योरिटी मेंटेनेंस रिलीज। दिस SMR पैकेज इंक्लूड पैच गूगल एंड सैमसंग। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कुछ यहाँ पर क्रिटिकल थे उसको यहाँ पर उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया गया है। ऑलरेडी इंक्लूड प्रीवियस अपडेट में भी उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ लिखा है गूगल पेज इंक्लूड अ पेज अप टू एंड्रॉइड सिक्योरिटी बुलेटिन अगस्त 2024 का बुलेटिन अगस्त कंटेन द फॉलोइंग CV आइटम। तो ये आइटम को यहाँ पर इस अपडेट में रिलीज किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको, ये नॉर्मल अपने काम की तो नहीं है ना, आपको समझ में आएगी। एक नॉर्मल में आपको बता दिया है कि ये अपडेट में ये होता है। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की अपडेट के बाद, तो अपडेट के बाद में एक एक चीज़ को यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। एनिमेशन में या कुछ इश्यूज आ रहा है आप देख सकते हैं आपके सामने में, यहाँ पर एक एक चीज़ को ओपन करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर ओपन कर लिया है, उसके बाद भी ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है कि कुछ एनिमेशन में यहाँ पर इशू है। नोटिफिकेशन में आएंगे, सारी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर सब क्लियरली विजिबल दिख रही हैं। अगर आप इसको यहाँ से मूव ऑन भी करना चाहेंगे तो मूव ऑन भी यहाँ पर इजीली हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते हैं मैसेज भी देखेंगे तो मैसेज भी आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ओवरऑल इस अपडेट में फिलहाल सिक्योरिटी को अपडेट किया गया, कुछ इनहांस फीचर एड ऑन नहीं किए गए, और अगर मैं इसको क्लोज भी करके भी चलाऊंगा ना तो भी आप देखेंगे चलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और मस्त यहाँ पर ये परफॉर्मेंस के साथ ये पूरा यहाँ पर ये चलता हुआ दिख रहा है। इस अपडेट को आपको करना चाहिए बिकॉज सिक्योरिटी अपडेटेड इज मोर इंपॉर्टेंट, और सैमसंग ने ये सारे अपने S24 सीरीज़ के लिए सबके लिए निकाल दिया है। मेरे पास S24 है, अगर आपके S24 प्लस है या S24 अल्ट्रा है आपके, उसमें भी अपडेट आया हो, पर साइज़ डिफर यहाँ पर कर सकता है, तो उसको अपडेट ज़रूर करना। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे तक आपको ऐसी अपडेट्स, ऐसे नए फीचर्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे ही अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। चलो।